कंसेप्ट बिल्डिंग वीडियो में हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज सर्किट। आपने मार्केट में सुना होगा कि आज मार्केट में डाउन डायरेक्शन में या अप डायरेक्शन में सर्किट लग गए हैं, या फिर किसी शेयर्स में आज अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा है। ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो सर्किट एक लिमिट है जहां पर अपर और लोअर डायरेक्शन में एक लिमिट सेट की गई है कि अगर मार्केट या फिर शेयर की प्राइस इससे ऊपर या इससे नीचे जाता है तो मार्केट की ट्रेडिंग या फिर शेयर की ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टॉक में या मार्केट में सडन बाइंग आती है और मार्केट सडनली ऊपर चला जाता है, तो जो भी इन्वेस्टर है जिन्होंने उस मार्केट या उस स्टॉक पर शॉर्ट किया हुआ है वो अनलिमिटेड लॉस में जा सकते हैं। इसलिए उनके अनलिमिटेड लॉस को सेव करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी ने एक सर्किट लिमिट सेट किया है हर स्टॉक और मार्केट के लिए, जहां पर एक रेंज 5%, 2% और 6% के बाद मार्केट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद मार्केट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और उस पर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है। उसी तरह लोअर सर्किट एक लिमिट होती है जहां पे अगर मार्केट सडन फॉल होता है तो 5, 7 या 10% के बाद ऑटोमेटिकली जो भी लिमिट सेट हुई है उस लिमिट पर जाकर मार्केट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और फर्दर फॉल नहीं हो। और उससे किसी भी इन्वेस्टर जो मार्केट में लॉन्ग पर बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर सडन मार्केट नीचे जाता है तो उन्हें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसी लॉस को बचाने के लिए लोअर सर्किट लिमिट सेट की जाती है। तो अभी हमने सीखा अपर सर्किट लिमिट और लोअर सर्किट लिमिट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।